नमस्कार। पिछले कुछ सालों से ई फसल के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप का प्रोग्राम करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे पास मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेने भी आते हैं। तो पिछले कुछ सालों का जो अनुभव मेरा रहा है, उससे मुझे ये आभास होता है कि जिन संस्थाओं में ये विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिन एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या एमबीए के संस्थान हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर या लेक्चरर्स उनको गाइडेंस देते हैं, ना तो उनको बहुत ज़्यादा स्पष्ट पता होता है कि उनके विद्यार्थी को किस फील्ड में जाना चाहिए, और ना ही विद्यार्थी को पता होता है, क्योंकि विद्यार्थी भी ये सोचते हैं कि किसी भी संस्थान में, किसी भी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में अगर वो इंटर्नशिप कर लेते हैं तो उनको जॉब मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी कंपनी जब आपको रिक्रूट करती है तो केवल वो ये नहीं देखती है कि आपने इंटर्नशिप किस कंपनी में की है। आप अपनी CV में उस कंपनी का नाम लिख के अच्छा जॉब नहीं पा सकते हैं। तो हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, इसमें ज़्यादातर MBA जो रूरल मैनेजमेंट हैं या एग्रीकल्चर के MBA हैं, BScAG और MScAG के विद्यार्थी होते हैं। उनको ये जानना चाहिए कि कौन सी कंपनियां और कौन से संस्थान एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र की कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड बनाने की कंपनियां हैं, सीड की कंपनियां हैं, बायो प्रोडक्ट बनाने की कंपनियां हैं, मशीन इक्विपमेंट बनाने की कंपनियां हैं। इसके अलावा जो संस्थान इस तरह के विद्यार्थियों को रिक्रूट करते हैं या जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रहे हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उसमें स्टार्टअप हैं, जिसमें एग्रीटेक स्टार्टअप हैं, फिनटेक स्टार्टअप हैं, एजुटेक स्टार्टअप हैं और डायरेक्ट ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स हैं। इसके अलावा NBFC हैं जो एग्री फाइनेंस में काम करती हैं, बैंक्स हैं, कमोडिटी की ट्रेडिंग कंपनियां हैं, इसमें बड़े फार्म हैं जो कंपनियां मैनेज करती हैं, इसमें नर्सरीज हैं, प्लांटिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनियां हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर करने वाले ग्रीन हाउसेस, पॉली हाउसेस की कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पर कृषि का उत्पादन करती हैं, हाइड्रोपोनिक्स की कंपनियां हैं, फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मर्स के कोऑपरेटिव्स हैं, NGOs हैं, ऑनलाइन फ्रेश कमोडिटी की कंपनियां हैं, एग्री कमोडिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनियां हैं, वेयर हाउसेज और कोलेटरल की सर्विस देने वाली कंपनियां हैं और क्रॉप इंश्योरेंस की कंपनियां हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करते हैं। इनकी रुचि इस तरह के विद्यार्थियों में होती है जिनने BScAG, MScAG या MBA एग्रीकल्चर या रूरल मैनेजमेंट का कोर्स किया होता है। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनका किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है। तो किसी भी कंपनी में जाने के पहले, इंटर्नशिप का अप्लाई करने के पहले, उनको ये देखना चाहिए कि उनकी रुचि किस फील्ड में है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो फील्ड है वो बहुत विस्तृत फील्ड है। तो अगर वो अपनी रुचि का क्षेत्र सेलेक्ट करते हैं तो उनको आगे आसानी होगी। दूसरे, फिर उनको उस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को इंटरनेट पर सर्च करना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, उनको काम को समझने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ऐसे ग्रुप्स को उन्हें ज्वाइन करना चाहिए जहाँ इस तरह की कंपनियाँ अपने बारे में बात करती हैं, या ऐसे यूट्यूब चैनल्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए जहाँ इस तरह की कंपनियाँ अपने वीडियो अपलोड करती हैं। फिर लोकल एरिया में उनको देखना चाहिए कि उनके आसपास जहाँ उनका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उस मार्केट में उस तरह की कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, उनके साथ अगर वो इंटरेक्ट करते हैं, उनके वर्क कल्चर को समझते हैं तो उनको अप्लाई करने में मदद मिलती है।
फिर उस तरह की कंपनियां जो काम कर रही हैं उसमें गवर्नमेंट के लॉज क्या हैं, रूल्स क्या हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, किस तरह के लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है, ये सब भी उनको विद्यार्थी को जानना चाहिए। और जब वो अपना रिज्यूम या CV इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं तो उसमें इस नॉलेज के बारे में उनको मेंशन करना चाहिए कि उनने इस तरह की रिसर्च की है, उनके बारे में उनने पता लगाया है। जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी हमेशा ये कंप्लेंट करते हैं कि साहब मेल भेजने के बाद कंपनी के HR डिपार्टमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो वो कंपनी इंटर्नशिप नहीं कर रही है या उनके यहाँ सीट भर गई हैं, और दूसरा कारण ये है कि आपकी CV में उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी ताकि वो आपको इंटर्नशिप के लिए ले सके। तो आपको वहाँ के HR डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करना चाहिए, उनके लोगों से अगर संभव है तो मिलना चाहिए कि किस तरह की रिक्वायरमेंट उन्हें है और उनकी CV में अभी किस तरह की कमी है। फिर उनको रिसर्च करना चाहिए या रीडिंग मटेरियल उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन उनको सिलेक्ट करता है इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कि उसके कौन प्रमोटर्स हैं, उसका विजन मिशन, काम करने का तरीका या उनका एरिया ऑफ वर्किंग किस क्षेत्र में है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। और उनका बहुत सारा जो समय होता है वो इसी सब को इंटर्नशिप के समय जानने में निकल जाता है, जबकि इंटर्नशिप एक बहुत छोटा विंडो होता है और उसमें पहले से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करके फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी के बारे में जानना समझना चाहिए, ना कि केवल उस डिपार्टमेंट में जहाँ आपको ट्रेनिंग दी जा रही है अपने आप को उसके अंतर्गत बांधे रखना चाहिए, बल्कि आपको पूरी कंपनी के बारे में समझना चाहिए। जब भी कंपनी में कोई नया चैलेंज आ रहा है, कोई काम आ रहा है, जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, भली वो काम आपको नहीं आता है पर जब आप कंपनी की टीम के साथ वो टास्क पूरा करते हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल लर्निंग उसमें मिलती है, तो आगे आके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसको समय पर डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनियों में इतना टाइम नहीं होता है और अगर समय नष्ट होता है तो उनको व्यावसायिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इससे आपकी जो स्किल है वो अपडेट रहेगी, आपको पूरा समय इस काम में लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने नाम लिखा लिया है और बीच बीच में आप जा रहे हैं फिर कोई दूसरा काम कर रहे हैं या आप वहाँ नहीं जा रहे हैं तो उसका आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर आप ये भी देखें कि वहाँ कंपनी में अभी एक सेट पैटर्न से काम हो रहा है, क्या आप एक नया पर्सपेक्टिव उनके काम को अपग्रेड करने के लिए दे सकते हैं, क्या आप उनकी जो वर्किंग स्टाइल है उसकी जो चेन है उसको छोटा कर सकते हैं या आप नई टेक्नोलॉजी उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। तो आपको अपने एटीट्यूड को इस तरह का रखना चाहिए ताकि आप उनको नई चीज़ों के बारे में बताएं। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने वर्क को और एफिशिएंट या कॉस्ट इफेक्टिव बना के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर का उपयोग वो कर सकते हैं। आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसके आपको नोट्स लिखना चाहिए, डायरी बनाना चाहिए ताकि आप फाइनल रिपोर्ट अपनी तैयार कर सकें और अपना प्रेजेंटेशन समय पर दे सकें। आप ये भी इस दौरान पता लगा सकते हैं कि उस कंपनी में क्या कोई वैकेंसी अभी इस तरह की खाली है या कोई रिक्रूटमेंट चल रहा है जहां आपकी स्किल उस काम के लिए उपयुक्त होती है, तो आपको वहां अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपकी डिग्री में अभी समय है तो आप इस तरह की छाप वहां छोड़ के जाएँ कि जब 2 साल बाद, 3 साल बाद या 1 साल बाद आपकी डिग्री पूरी होती है तो आप उस संस्थान में पुनः ज्वाइन कर सकें, वहाँ लोग आपको जानें। और इस समय का उपयोग आपको अपनी स्किल को बढ़ाने में करना चाहिए ताकि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उससे आपकी स्किल का
मैच हो सके। तो इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा पीरियड विद्यार्थी और इंडस्ट्री के बीच में हो सकता है, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो ई फसल प्लेटफॉर्म पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।